और यहाँ पे ना भगवान जो कार्तिक है उनका जन्म हुआ था। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, देखिए। अच्छा है? हाँ, मतलब यहाँ से जाओ ना तो वहीं से वापिस आना है। नहीं, वहाँ तक जाओ फिर वहीं से वापिस, उसे लांगना नहीं है, वो यहाँ से फिर इधर आ जाओ। उसके बाद आप फिर फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। हाँ जी, मेला भी लगता है पंडित जी यहाँ 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल भव्य मेला, बहुत विशाल मेला लगता है। अच्छा, ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है, फिर पांडव केदारनाथ गए फिर वहाँ मंदिर बनाया। ये है महाकाल। हाँ, महाकाल आप केदारनाथ गए होंगे। केदारनाथ में जब जो मंदिर बनाया उसके फ्रंट में देखना आप ये दृश्य है। यहाँ अंदर आप गए होंगे दर्शन करने के लिए, अंदर जो पत्थर का जो दरवाजा बना उसमें बना हुआ है महाकाल का चित्र। आपने ध्यान नहीं किया होगा, जहाँ से आपने दर्शन किए ना भगवान के, उसके ऊपर जो महाकाल का दृश्य बना हुआ है ऐसा। या तो ये इस आदि केदारनाथ में बना हुआ है, या केदारनाथ में बना हुआ, या उज्जैन महाकाल में। यही शिवलिंग पांडु ने स्थापित की, जो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की, इस लाखा मंडल में आज भी खुदाई करते हैं बाहर भी। अच्छा। तो इसी प्रकार के शिवलिंग निकलते रहते हैं है? ये 2022 की निकली हुई 100 मीटर का जो एरिया है यहाँ का, ये पट्टी बंद है। आपने बोल्ड पड़े होंगे जब आपने एंट्री की होगी, ये लाखा मंडल है, ये प्रतिबंध क्षेत्र है। 100 मीटर में बिल्कुल भी कोई नया निर्माण नहीं कर सकता, खुदाई नहीं कर सकता बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना। तो भारत सरकार इसकी, हाँ जी हाँ जी, वही प्राची जी। तो ये वो संग्रहालय बन रहा है, स्टोर है, यहाँ की सारी मूर्तियाँ फिर इसमें रखी जाएगी। जब आप दुबर इस देवनगर में दर्शन करने को आएंगे फिर आप यहाँ दर्शन करेंगे। अज्ञातवास में 1 साल का अज्ञातवास था ना उनको, इन गुफा में पांडव लोग छुपे हुए थे। ऊपर कुंड है, द्रौपदी कुंड। अच्छा, यहाँ छुपे थे द्रौपदी, उस कुंड में स्नान करने पर। सामने गाड़ी जाती है, आप वहाँ जाइए तो अपने उस कुंड को देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा धाम है। वहाँ जाइए, उस पे कुंड बनाओ, माँ द्रौपदी उस कुंड में स्नान कर दीजिए। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, देखिए। आप कहीं भी यात्रा में जाएंगे ऐसा ज्योतिर्लिंग आपको कहीं भी दिमाग नहीं मिला। ये ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर एक इसके 8 कोने हैं। अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है, इस शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो अष्टदल पर ज्योतिर्लिंग होता है, वहाँ जो भी व्यक्ति जाकर अभिषेक करता है उनके सारे पाप खंडित होते हैं और मन इच्छा पूरी होती है। ये लाखा मंडल ये पांडव ने बसाया, इसका पुराना नाम है गांव का मड़ा। मड़ा इसलिए बोलते थे कि यहाँ मरा हुआ आदमी जीवित होता था। अब वर्तमान में इसको लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लाखसा कर भी बनाया, 1.25 लाख शिवलिंग है। अभी सो रहे गए? नहीं यार, सोतून रखा। चलो इसे डिस्टर्ब नहीं करते ज्यादा, चल आ जा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम बैग रखा है, वो रखा है, देखना यहाँ तक भी लोग बुलेट ला रखे हैं। तो टाइम हो चुका है, 3 बज गए हैं, निकलते हैं। 4-5 घंटे तो हमें रुकने में जाने में लग जाएंगे। और फिर जूते, हाँ चल जूते जूते पहन लेते, सही कह रहे हैं, जूते पहन लेते ना जूते। वेट वेट फॉर मी। ज़्यादा तो बहुत ठंडा हो जाएगा भाई, मरने वाले हम ठंड से। आहा भाई, ये जो घर लग रहा है ना मुझे इतना प्यारा। 4 घंटे लग जाएंगे हमें भाई, क्या ही तो बड़ा ही। अबे लकड़े खा रहा है क्या ये? वही तो खाते हैं, खाना नहीं मिल रहा, लकड़ा खाते हैं, पागल हो गया तू। चलो भाई, अपना अपना टेस्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। पूछे क्या होम स्टे कितने कितने में यहाँ भाई? यार अप्रैल में आता, अप्रैल में आप बहुत अच्छा मेला लगता है। पंडित जी बता रहे थे भाई कैसा सारा लगाया था, खाली होगा, खाली होगा। चल वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे वाइट वाइट करके वो जो रास्ते के लिए बना रखा है उन्होंने, वहाँ पे कुछ लोग भी गए हैं, तो वो है द्रौपदी कुंड। हमें वहाँ भी जाना चाहिए था यार, लेकिन हम ना लेट हो जाएंगे, वरना मैं वहाँ पक्का जाता। अबे ये है भाई, क्या हो गया? देखियो कहाँ पे लगाया इसने, जहाँ पे इसने गाड़ी यहाँ पे लगाया, जहाँ पे यहाँ पे जगह कहाँ है पास होने के लिए? हैं, गाड़ी कहाँ से पास होगी? अबे और कैसा आदमी है, इसे वहाँ लगानी चाहिए थी। अंदर शिवलिंग है, बाकी ऐसे तो लंबी लंबी गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं। यहाँ से 2 गुफा निकल रही थी, ऐसा शिवलिंग है। हाँ, उसके ऊपर जल टपकता है। हाँ, गुफा तो प्रभु 8-9 गुफा है यहाँ, गुप्तवास में रहे थे ना यहाँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी रुके थे? यहीं तो रुके थे, गुप्तवास में।
और यहाँ कार्तिक भगवान का जन्म हुआ अंदर शिवलिंग। यहाँ हुआ कार्तिक भगवान का जन्म? समुद्र रहा, समुद्र समझो। हाँ हाँ, तो ये कहाँ का लाखमंडल के सामने चोटी देखी ना? हाँ हाँ, ये उसका तल है नीचे। अच्छा, ये यहाँ से कम से कम 500 मीटर ऊंचाई है उसकी। हम्म, आज 500 मीटर क्या 700 मीटर गहरी चली गई यमुना जी। हाँ, यमुना जी थी। अच्छा, लाख से ग्रह में पांडव यहाँ रहे थे। अरे सात आठ गुफाएं हैं यहाँ। शिवलिंग का है? शिवलिंग छोटा सा है, वो देख रोशनी मार, सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा ना वो देख, छोटा सा वो देख, वो है ना, ये है ना, ये लाइट। हाँ था। और यहाँ पे ना भगवान जो कार्तिक है उनका जन्म हुआ था। कार्तिक मैं बता दूं, जो गणेश जी भगवान है उनके भाई हैं। थैंक यू, विजिट अगेन जी, जरूर आएंगे। Thousand years later. भाई थके हारे हम पहुंच चुके हैं, वो भी मैं इसके घर पहुंचा हूँ अभी खा पी के। 9:33 हो गए।